ये इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है? मैं इस टाइम सियालकोट में आया हुआ हूँ, इरफान भाई से मिला, बहुत अच्छा लगा। आज 4 साल बाद मुलाकात हुई है ना हमारी, 4 साल पहले मुलाकात हुई थी, 4 साल बाद मुलाकात हो गई। अब मैं इंशाल्लाह देखें कब मिलता हूँ। और मैं सियालकोट में इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ इरफान, नॉटवेक्स इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ मैं सियालकोट से, बहुत ही ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंट हेल्पो के देखे सेम है, उस अच्छे इंस्ट्रूमेंट है। मेरे इंस्ट्रूमेंट आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट है। बाकी मैं वीडियो आगे चल के बताऊँगा, बहुत ज़बरदस्त। इरफान भाई मैं फिर आपसे मिलता हूँ, बहुत अच्छा लगा मिलकर, लाभ भी चल अपनी मुलाकात हो भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस टाइम पंजाब में मुल्तान से थोड़ा दूर हूँ साहिवाल में। मैं आप लोग से कहता हूँ सर्दी के मौसम में पंजाब ना जाएं, सर्दी के मौसम में पंजाब ना जाएं। मैं इस टाइम रावलपिंडी से आ रहा हूँ, मेरे पीछे देख लें आपको धुंध कितनी नज़र आ रही होगी, मेरी आवाज़ ही बंद हो गई ठंड की वजह से, बहुत ठंड है। भाई मैं इस टाइम कराची जा रहा हूँ, अभी तक पंजाब में हूँ, रात को 10 बजे का निकला हुआ, बहुत धुंध है, ये हमारी गाड़ी है। मैं कहता हूँ कि सर्दियों के मौसम में पंजाब का सफ़र कोई ना करे। 3 दफ़ा हम बच चुके हैं, अभी फजर की नमाज़ पढ़ी है, अल्लाह आगे भी बचाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि धुंध बहुत है, दूसरी गाड़ी सामने नज़र ही नहीं आती, बड़ा ख़तरनाक मौसम है। अल्लाह ही खैर करने वाला है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही खालिक है, कसम से दुआएं करते हुए आ रहे हैं जा रहे हैं। जितना हम सिंध के करीब हो रहे हैं ठंड कम होती जा रही है, पंजाब में बहुत ठंड थी, पानी बहुत ठंडा था, यहाँ तो पानी भी ठंडा नहीं है, नॉर्मल पानी है, सही है मौसम। और ठंड है, धुंध देख रहे हैं कितनी धुंध है इस टाइम, टेम्परेचर यहाँ पे 5 चल रहा है, ये पता नहीं कौन सी जगह है, मैं आपको बताता। भाई पंजाब तो कोई ना जाए, मैं कहता हूँ बहुत धुंध वाला मौसम है, बहुत धुंध वाला। चले हमारी भी मुलाकात होगी आगे चल के कहीं और दूसरी जगह पे, धुंध बहुत ज़्यादा है, एक दूसरी की गाड़ी नज़र नहीं आती। ये हम चाचड़ आबाद कोई है, पंजाब का शहर है भी, पर यहाँ भी ठंड कम है बनिस्बत वहाँ पंजाब की, मुल्तान, फैसलाबाद, फैज़ाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वहाँ से कम है।